एक चीज आपको हमेशा देखने को मिलती है कि जब भी शादी ब्याह कहीं होता है ना, या कहीं समझो पूजा पाठ होता है, पूजा अर्चना होता है, तो वहां पर देखिएगा शंखों का इस्तेमाल कर जाता है। शंख बजाता पों पों करके बजाता है। कभी सोचिए कि आखिर शंख क्यों बजाया जाता है? देखो वो हनुमान जी का अपनाम सुने ना, हनुमान जी ने शंख निधि को भी प्राप्त किया था। उनको आठों सिद्धि नौ निधि का विधाता कही जाती है, ज्ञाता कही जाती है। वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने सारे सिद्धि सारे निधियों को प्राप्त किया था। तो भगवान हनुमान जी ने ये शंख निधि को भी प्राप्त किया था, और उस समय लक्ष्मी जी के द्वारा सारे भगवान के द्वारा वरदान दिया गया था, और शंख देवता के द्वारा भी वरदान दिया गया था कि जो इनका जिस शादी ब्याह में शंख बजाया जाएगा, जिस पूजा पाठ में शंख बजाया जाएगा, वहां का जितनी भी समस्या होगी सब सॉल्व हो जाएगी। वहां पर बुरी आत्माएं बुरी चीज वहां पर नहीं आ सकती है। तो जब भी शुभ काम होती है, पूजा पाठ होती है, शादी ब्याह में पंडित जी का पों पों करके बजाते हैं, और सत्यनारायण भगवान की जोर से बुलाते हैं, तो शंख बजाने के पीछे का रीजन यही होता है कि बुआ बजाने से क्या वो बुरी आत्माएं सारी समस्याएं धीरे धीरे क्या होती है खत्म हो जाती है। तो शंख निधि किनको प्राप्त हुआ था? हनुमान जी को प्राप्त हुआ था।